बाई द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हमारे भी चैनल पे बहुत जल्दी ट्वेंटी के होने वाले हैं सो so, अगर आप में से कोई है जिसने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो क्या करे जल्दी सब्सक्राइब कर दो सो इन टूडेज वीडियो विल सी अनदर फेमस स्ट्रैटेजी विच इज कॉल्ड ई एम एंड स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आपको उनका वीडियो दिख रहा होगा नाम से आपको समझ ही गया होगा कि एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे ई एम ए और ऑसिलेटर वेल टेक्निकली तीन क्योंकि हम इसमें ई एम ए दो बार यूज कर रहे हैं और ये एक बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी है सो so हम इसे बैंक निफ्टी में ही टेस्ट करेंगे तो इंट्रोग्राम स्ट्रेटेजी भी चलते हैं जहां ई एम एंड स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइडेड बाई नीरज जोशी को टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे इन बैंक निफ्टी और चेक करेंगे कैसे काम करता है सो हाई एवरी वन दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इन साइड लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले हम ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे अब टाइम फ्रेम को वन मिनट कर देंगे अब इसके बाद ऊपर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और ये में सर्च करेंगे तो ये बिल्टिन वाला आएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके इसे हम चार्ट में दो बार ऐड करेंगे अब इसके सेटिंग्स में जाएंगे पहले वाले के और लेंथ को फिफ्टी कर देंगे अभी स्टाइल में जाके कलर को ग्रीन कर देंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे अब सेकेंड वाला ई का सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को हंड्रेड कर देंगे और इसमें स्टाइल में जाके कलर को रेड कर देंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे और इसमें भी ओके okay कर देंगे आप वापस ऊपर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और स्टोकास्टिक सर्च करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वाला आएगा स्टोकास्टिक इसे हम चार्ट में ऐड कर देंगे अब इसके सेटिंग्स में जाके परसेंटेज के के डी के जगह पे हम फाइव थ्री थ्री करेंगे और ओके okay कर देंगे हेलो हो गया सेटअप रेडी चलिए रूल्स फॉर बाइंड्री देखते हैं सबसे पहले फिफ्टी ई एम ए शुड बी अबाउ हंड्रेड ई एम ए ये जो ग्रीन लाइन है ना वो रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए फिर ब्लू लाइन ऑफ स्टोकैस्टिक शुड क्रॉस अबाउ ऑरेंज लाइन बिलो द ट्वेंटी रेंज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ है जो ट्वेंटी की रेंज के नीचे हुआ है ये क्रॉस ओवर और ऊपर इधर ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो ये जो कैंडल में ये हुआ है ना क्रॉस ओवर ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा एंट्री वुड भी हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉस लो ऑफ द लास्ट टू कैंडल लास्ट टू कैंडल में जिसका लो low रहेगा लोएस्ट हम उसको स्टॉप लॉस मानेंगे और टारगेट जब ये ब्लू लाइन स्टोकास्टिक का एटी लाइन को ऊपर क्रॉस करेगा तब हम एग्जिट कर देंगे सो so, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एग्जाम्पल विन था चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जैसे यहाँ देखो इधर ये कैंडल पे हमें क्रॉसओवर मिला है स्टोकास्टिक पे और ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है सो so ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा बट नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री नहीं मिला क्योंकि इसने कभी हाई ब्रेक ही नहीं किया ट्रिगर कैंडल का सो हम इसको इग्नोर कर देंगे फिर इधर देखो हमें वापस इधर एक और क्रॉस ओवर मिला है और ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है सो ये हमारे लिए वैलिड ट्रिगर कैंडल बन जाएगा सो हम इस ट्रिगर कैंडल के हाई पर एंट्री ले, ले लेंगे स्टॉप लॉस ये लास्ट टू कैंडल का लो जो यहाँ पर है हम वहाँ पर रखेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट जैसे ये ब्लू लाइन ये 80 के ऊपर चला गया वहाँ एग्ज़िट कर लेंगे सो ये एग्जांपल विन था चलिए और एग्जांपल देखते हैं जैसे यहाँ देखो हमें यहाँ पर वापस एक और क्रॉस ओवर मिला है जो ट्वेंटी लाइन के नीचे है और ग्रीन लाइन भी रेड के ऊपर है सो so ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा सो so हम इस ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले लेंगे स्टॉप लॉस लास्ट टू कैंडल का लो रखेंगे और टारगेट जैसे ही वो एटी क्रॉस करेगा तब ले लेंगे बट अनफॉर्चुनेटली इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं यार विन और लूज इज़ पार्ट ऑफ द गेम ना चलिए अभी रूल्स फॉर सेल एंट्री भी देख लेते हैं फर्स्ट रूल फिफ्टी ई एम ए शुड भी बिलो हंड्रेड ई एम ए ये जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के नीचे होना चाहिए फिर ब्लू लाइन ऑफ स्टोकैस्टिक शुड क्रॉस बिलो द ऑरेंज लाइन अबाउ द एटी रेंज जैसा आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ है एटी रेंज के ऊपर और यहाँ पर ये रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है सो तो ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन गया एंट्री वुड बिलो ऑफ द ट्रिगर कैंडल स्टॉप लॉज हाई ऑफ द लास्ट टू कैंडल और टारगेट ब्लू लाइन जब ये स्टोकेस्टिक को क्रॉस करता है ट्वेंटी लाइन के नीचे तब तो हम एग्जिट कर लेंगे सो so, जैसे आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल था चलिए इसके भी और एग्जाम्पल्स देखते हैं सो so, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इधर हमें एक और क्रॉसओवर मिला है और ये लाइन 80 के ऊपर है और ये क्रॉसओवर 80 के ऊपर है अभी यहाँ पर ग्रीन लाइन भी रेड लाइन के नीचे है सो so, ये हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाएगा सो so, हम इस ट्रिगर कैंडल के लो पे एंट्री ले, ले लेंगे स्टॉप लॉस लास्ट टू कैंडल का हाई रखेंगे जो यहाँ पर होगा और टारगेट जैसे ये ब्लू लाइन ट्वेंटी के नीचे जाएगा वहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे सो so, ये एग्जाम्पल विन था चलिए आई होप आपको स्ट्रैटेजी क्लियर है मैं जानबूझ के इतने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर रहा हूँ ताकि आपको सब क्लियर रहे आप उनका वीडियो भी जरूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी में और जानना है तो तो इस ट्रैटेजी को टोटल हम हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विंडेट चेक करेंगे आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट चलिए रिजल्ट देखते हैं

और ड्रॉ डाउन भी मैसिव है दैट इज माइनस फोर पॉइंट नाइन फाइव परसेंट कम्पेयर टू गेन मैसिव बोल रहा हूँ ये रिजल्ट देख के आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटजी सर ये तो टट्टी है थैंक्स यूजुअली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में है ना जो गेन रहता है इंटराइड के कम्पेरिजन में लो ही होता है क्योंकि यहाँ पर आप बड़े लॉट साइजेस में ट्रेड करते हो तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स को टारगेट करते हो बट ये स्ट्रैटेजी तो इतनी खराब है कि अगर ब्रोकरेज मैंने ऐड कर दिया तो ये लॉस में ही चले जाएगा सो बेस्ट टू अवॉइड दिस स्ट्रैटेजी एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ सीधा मेरी बात है किसी की बात आपको ब्लैंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर श्रेटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करेंगे स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है सो आई लाइट द स्ट्रेटजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द फोटी पोजिशन इन द लिस्ट कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और यू वॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लाइक सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सपोर्ट अव सब्सक्राइम टू द चैनल एडिंग द बिल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो यू पी आई आपके स्क्रीन पर होगा और अगर आपके डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जीरो तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा हमसे अकाउंट बना आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो और अगर आपको ये वाली बैक ट्वेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर किया है आपको एक वीडियो का लिंक सजेस्ट हो रहा रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक और आप वहाँ से जरूर चेकआउट कर सकते हो प्लीज़ कमेंट में आपकी फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी जरूर बताना आप हमारे चैनल की प्ले देख सकते हो और दूसरी स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ फॉलो एंड शोर सपोर्ट मोर ऑफ सम कंटेंट्स ऑन द वे सी यू नेक्स्ट टाइम